हेलो भाई लोग, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो डीवी रिव्यू। और भाई लोग, आपने मार्वल की सभी मूवीज और सभी सीरीज देखी होंगी। क्या आपने डीसी की सभी मूवीज और सभी सीरीज देखी हैं? अच्छी लंड मेरा मूवीज देखी होंगी डीसी की, पर सीरीज नहीं देखी होंगी। क्योंकि भाई लोग, डीसी की सीरीज तो है पर वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जिनकी वजह से आप डीसी की सीरीज नहीं देख पाते। तो भाई लोग, मैं आपको इस वीडियो में कमाल की वन ऑफ द बेस्ट डीसी की वेब सीरीज बताऊंगा जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। और भाई लोग, ये सभी डीसी की वेब सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी। तो बिना किसी टाइम बर्बादी के और बिना किसी फालतू के इंट्रो के वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 5 की सीरीज पर। इस सीरीज का नाम है द फ्लैश और इसकी आईएमडी रेटिंग है 7.6 और ये एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। और इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है इस व्यक्ति की जो कि एक क्राइम से रिलेटेड अपनी लैब में काम कर रहा होता है और तभी इसके ऊपर एक पावरफुल लाइट का अटैक होता है जिसकी वजह से इसे सुपर पावर्स मिलती हैं। और भाई लोग, ये सुपर पावर होती ये है कि ये तेज भाग सकता है बिल्कुल लाइट की स्पीड में। तो भाई लोग, जब इसके पास ये सुपर पावर्स आ जाती है तो ये अपनी सिटी में क्राइम्स होने से बचाता है। भाई लोग, इस सीरीज में कमाल कमाल के एक्शन प्लस कुछ ऐसी सिचुएशंस दिखाई गई हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा। और भाई लोग, आपको इस सीरीज में टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलेगा। और भाई लोग, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में सभी टाइम ट्रेवल मूवीज और सभी टाइम ट्रेवल सीरीज देखी है। भाई लोग, मैं आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि आप इस सीरीज को जरूर देखें। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 4 की सीरीज पर। इस सीरीज का नाम है वॉचमैन और इसकी आईएमडी रेटिंग है 7.6 और ये एक्शन ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है। इस सीरीज में होता यह है कि इस सीरीज में जो ये ग्रुप दिखाया गया है, ये ग्रुप उन लोगों को मारता है जो ब्लैक लोगों को सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। तो भाई लोग, ये ग्रुप सभी पुलिस वालों को मार देते हैं जो कि ब्लैक लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और भाई लोग, जो पुलिस वाले होते हैं वो अपना काम अपनी आइडेंटिटी छुपा कर करते हैं, जैसे कि ये मास्क पहनकर। और भाई लोग, इन सभी के बीच ये लेडी ऑफिसर है जो कि इन सभी चीजों का पता लगाना चाहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और भाई लोग, ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। और भाई लोग, इस सीरीज में ये लेडी क्या करती है ये देखिए आप इस सीरीज में। भाई लोग, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक्शन लवर हो तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। और भाई लोग, आपको इस सीरीज में कमाल का थ्रिल प्लस क्राइम देखने को मिलेगा जो कि अच्छी बात है। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 3 की सीरीज पर। इस सीरीज का नाम है डूम पेट्रोल और इसकी आईएमडी रेटिंग है 7.8 और ये एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है। और भाई लोग, आपको इस सीरीज में कमाल के बहुत सारे सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज में जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सबको सुपर पावर्स किसी न किसी दुर्घटना में मिली है। और वो सुपर पावर क्या है वो देखिए आप इस सीरीज में। और भाई लोग, इस सीरीज में एक दिन होता है ये है कि इनके जो चीफ होते हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं। तो भाई लोग, ये सभी निकल पड़ते हैं अपने चीफ को ढूंढने के लिए। और फिर ये सब हो जाने के बाद जो इस सीरीज में सीन्स क्रिएट होते हैं भाई लोग, कसम से ऑसम, मतलब मजा ही आ जाएगा देख के। क्योंकि भाई लोग, आपको इस सीरीज में कॉमेडी एक्शन प्लस बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये एक फुल्ली एंटरटेनमेंट सीरीज है जिसे देखकर आप बोर नहीं होंगे। और भाई लोग, अगर मेरी मानो तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 2 की सीरीज पर। इस सीरीज का नाम है एरो और इसकी आईएमडी रेटिंग है 7.5 और ये एक्शन एडवेंचर क्राइम सीरीज है। और इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है इस व्यक्ति की जो कि एक सिर्फ एक्सीडेंट के कारण एक आइलैंड पर फंस जाता है, वो भी 5 सालों के लिए। और भाई लोग, फिर ये यहाँ पर फाइट और तीर कमान चलाना सीखता है और ये फिर कैसे भी कर इस आइलैंड से बाहर आ जाता है और आता है अपनी सिटी में। और भाई लोग, फिर ये अपनी सिटी में आने के बाद अपनी सिटी में जितने भी क्राइम हो रहे होते हैं उन क्राइम को होने से ये रोकता है और गुंडों को जिस कदर ये धोता है, अरे भाई साहब बोले तो एक नंबर। और भाई लोग, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये डीसी की फर्स्ट सीरीज है। हाँ भाई लोग, ये फर्स्ट सीरीज है, इसके बाद फिर सीरीज आना स्टार्ट हुआ डीसी की। तो भाई लोग, ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये डीसी की फर्स्ट सीरीज है और ये एक कमाई की सीरीज है जो कि आपको लाइफ में बहुत से लेसन सिखाएगी। मतलब ये है मेरा कहने का कि भाई लोग, ये सीरीज आपको जीवन के कुछ महत्व सिखा के जाएगी। तो भाई लोग, आप इस सीरीज को जरूर देखें। तो भाई लोग, आते हैं नंबर 1 की सीरीज पर। इस सीरीज का नाम है लूसीफर और इसकी आईएमडी रेटिंग है 8.1 और एक क्राइम ड्रामा फैंटेसी सीरीज है। और भाई लोग, ये डीसी की सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेस वाली सीरीज है और जहां तक मुझे पता है आप में से अधिकतर लोगों ने ये सीरीज देख ली होगी। तो भाई लोग, अब बात करते हैं इस सीरीज की। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है इस डेविल की जिसका नाम होता है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। और भाई लोग, ये हेल का लॉर्ड होता है पर भाई लोग, ये उस नर्क में रह रह के बोर हो जाता है तो फिर ये लूसीफर आ जाता है इंसानों के बीच रहने के लिए। और भाई लोग, ये इंसानों के बीच एक नाइट क्लब भी बना लेता है। पर भाई लोग, सीरीज में मजा तब शुरू होता है जब लूसीफर का दोस्त एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। और भाई लोग, उस एक्सीडेंट को सोल्व करने में लगी रहती है ये लेडी ऑफिसर, पर अपना लूसीफर भी चाहता है इस लेडी की मदद करना। और लूसीफर मदद करने लगता है इस लेडी ऑफिसर की,
ताकि ये पता लगा सके कि इसके दोस्त का एक्सीडेंट किसने किया। और भाई लोग ये दोनों साथ में मिलकर बहुत से केसेस को सोल्व करते हैं। और भाई लोग मैं आपको ये भी बता दूं कि लूसीफर का जादू सभी लोगों पे काम करता है, मतलब कि सभी इंसानों पर पता नहीं क्यों इस लड़की पर काम नहीं करता। वो क्यों नहीं करता ये देखिए आप इस सीरीज में। भाई लोग आपको इस सीरीज में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि कॉमेडी, एक्शन, थ्रिल, गालियां और कुछ अडल्ट सीन्स। और ये डीसी की एक मास्टरपीस सीरीज है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और भाई लोग अगर आप देखना चाहते हो कमाल की गांडफाड़ हॉरर मूवीज तो भाई लोग इस वीडियो को देख लेना, मैंने इस वीडियो में कमाल की गांडफाड़ हॉरर मूवीज के नेम बताए हैं। और भाई लोग अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।